ये गाइस पार्की हियर। लास्ट 24 आवर्स में ये फोर्थ वीडियो होने वाली है एंड वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो। बट गाइस एक छोटी सी बैड न्यूज है यार, हमारा इंस्टाग्राम डिसेबल हो गया। और भाई मेरे को काफी सारे लोगों ने स्टोरीज पर टैग करके बताया कि कल रोक्स भाई की स्ट्रीम पर ये स्पैम हो रहा था कि स्पार्की को जाके रिपोर्ट करो ताकि उसका अकाउंट डिसेबल हो जाए। उसके बाद मैंने रोक्स को मैसेज किया तो उसके बाद तो ये बंद हो गया था, बट क्योंकि ये शायद 10-15 मिनट तक होता रहा था तो भाई काफी सारे लोगों ने रिपोर्ट्स कर दिया है। एनीवे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नियो भाई के बारे में, जब पर आज वो लाइव आए और उन्होंने भाई काफी सारे टॉपिक के ऊपर बात करी। अपडेट्स को तो मैं ये वाली वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आप हमारे दूसरे चैनल स्पार्की गेमिंग पर जाकर हाइलाइट्स देख सकते हो। एंड लाइव स्ट्रीम में नियो भाई ने बात करी थी बिट्रेल के बारे में। एंड उसके बाद नियो भाई ने इस पर ये बोला, एक वो एनिमी होना अच्छा है जो कि आपके फेस पर स्लैप करे, ना कि एक फ्रेंड के जो कि पीछे से आकर आपकी बैग पर छुरा घोंप दे। इसके बाद मायावी भाई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू बोला, अरे अरे नंबर है तो कुछ भी, अपनी बारी में प्रूफ दो प्रूफ दो, और खुद बिना प्रूफ के कुछ भी बोल दो, कल मिलते हैं स्ट्रीम पे प्रूफ के साथ। बट गाइस ये स्टोरी अपलोड करने के बाद ही भाई नियो भाई ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रूफ को अपलोड कर दिया, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। प्रूफ्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि गेम शुरू होने के पहले ही एक ओपोनेंट टीम के हमारे फ्रेंड ने बता दिया था, भैया जी आल्सो अप्रोच हिम फॉर द सपोर्ट सो दैट ही सपोर्ट्स जीई। एंड गाइस इस स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं कि किसी ने उनको मैसेज किया है सोल एंड जी, जिसका रिप्लाई करते हुए जीगो ने लिखा है टारगेट आने दे, एंड उसके बाद में उन्होंने लिखा है सेटअप आई गेस। एंड गाइस यहां पर तो न्यू भाई ने उसका नेम हाइड कर दिया है, तो अभी तो हम भाई नहीं बोल सकते कि वो बंदा कौन है। एंड इसके बाद न्यू भाई ने इस पर बोला, इवन उसको खुद को पता है कि उसने किस प्लेयर को अप्रोच किया था, कल स्ट्रीम पे सोच समझ के ही झूठ बोलना। एंड इसी की नेक्स्ट स्टोरी में नियो भाई ने डेट एंड टाइमिंग भी दिखा दी, एंड साथ ही में लिखा फाइनल्स के मैच स्टार्ट होने के 12 मिनट पहले। एंड हम देख सकते हैं कि भाई इसमें डेट है 24th ऑफ जुलाई एंड टाइमिंग है 4:28। गाइस ये तो नियो भाई ने पूरे ही प्रूफ्स को प्रेजेंट कर दिया है कि टीम सोल एनजी गोड लाइक को टारगेट करने वाली थी फाइनल डे पर। एंड उसके बाद नियो भाई ने बताया, जी गोड बी लाइक आने दे, फाइनल्स वाज नॉट अबाउट द ट्रॉफी फॉर अस, इट वाज अबाउट आवर प्राइड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी डोंट बैक ऑफ, वी आर हु वी आर गोड लाइक। एंड गाइस नियो भाई के ये प्रूफ्स देने के बाद अब देखते हैं कि कल मायावी भाई अपनी लाइव स्ट्रीम पर इसके लिए क्या बोलते हैं। एंड इसी सेम टॉपिक के ऊपर आप क्रोंटन भाई का भी रिएक्शन देख सकते हो। भाई वो दूसरा टीम वाला तो सीन मेरे को पता ही नहीं था, वो मेरे को टीम ने बताया भी नहीं था ताकि मैं कुछ बोलना दूं स्ट्रीम पे। हाँ नियो ने जो दिया वो होता है प्रूफ, दैट इज यू नो गाइस वो होता है रियल प्रूफ। आप देखोगे इन गेम मैसेज है, टाइम भी देखोगे, सच में लैन जब चल रहा था तभी का था सब कुछ, तो वो होता है। एंड गाइस क्योंकि पास कुछ दिनों में ये भी न्यूज निकल कर आ रही थी कि टीम गोल्ड लाइक का भी कोई एनालिस्ट होना चाहिए, तो उसको भी रिवील करते हुए क्रोंटन भाई ने बताया वो एक बारी को होने वाले थे मायावी। तो एग्जैक्टली इस पर क्रोंटन भाई ने ये बोला, कोच एंड एनालिस्ट इन्फॉर्मेशन, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसको लेने वाले थे, बट सीन खराब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेयर नहीं चाहते थे उसको जो भी था, एंड खुद ज्वाइन करना चाहते थे वो पर्सनल। एंड इसके बाद घातक भाई ने इस पर बोला, कमेंट्स को डिलीट करने से आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो जाएगा, नियत के साथ कर्म भी अच्छे करने चाहिए, ऑडियंस को बेवकूफ बनाने से कुछ नहीं होगा, आई रियली विश डर्टी पॉलिटिक्स वर नॉट इन्वॉल्व इन ई स्पोर्ट्स। दो वीक पहले नियो भाई का कुछ मैटर हुआ था जो मैंने ये वाली वीडियो में कवर किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई पहले ये वाली वीडियो जाके देख लेना। एंड आज अपनी लाइफ में नियो भाई ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया, तो जो भी उन्होंने स्क्रीन पर बोला वो आप अब स्क्रीन पर सुन सकते हो। तुमने जो भी रिसेंटली जो मेरे भी वो स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल ये था, मैंने किया था, पर वो भी 2-3 साल पहले की बात है जब नया नया एकदम ये सब चीज़ों में था, फेम एंड ऑल, ये सब फेम वेम आके उसने सब कर दिया। उसका भी सीन बताता हूँ मैं, ठीक है? तो हो गई मेरे से वो गलती 2-2.5 साल पहले, ठीक है? उसके बाद जाके उससे बात बात हो रहा था, ठीक है, एक्स वाई जी बंदे के साथ वो ड्रिंक कर रही थी रात को दिन, ठीक है? उसने बोला कि ऐसा ड्रिंक एंड ऑल कर रही है, ठीक है? फिर होटल में कोई बाहर का अलाउड नहीं था, तो नॉर्डविन वालों को पता चल गया कि ऐसा एक एक्स वाई जी बंदे को ये मिली है, तो नॉर्डविन वाले डायरेक्ट गए रूम में और वो बंदे को, वो एक्स वाई जी बंदे को बेंच कर दिया 2 मैचेस के लिए, नहीं एक दिन के लिए पूरा, 2 मैचेस खेलने पाए, वो दिन में 2 ही मैचेस थे। और फिर वो बंदी को लग रहा है कि मैंने जाके टिप दिया, मैं इधर गेम से फुर्सत नहीं मिलता, इधर लाइफ के कांड ये सब कांडों से फुर्सत नहीं मिलता, और मैं जाके किसी को टिप दूँ तो मैं फंसा है। जो ये स्क्रीनशॉट बाहर आएगा इसमें भी 2 टीम के मैनेजर्स का हाथ है, ठीक है? ये खुद से होके बाहर नहीं आए, और खुद से होके आना ही होता तो 2-2.5 साल पहले नहीं आ जाता। ये एक रिवेंज लेने के लिए हुआ था, ठीक है? इसमें भी ए भाई हाथ है लोगों का, हर चीज में हाथ।
उसके बाद घातक भाई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से बोला, गाइस बहुत टाइम से आई थॉट कुछ नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, कुछ लोग बोलेंगे बट हम केवल गेम खेल के आंसर करेंगे, बट यस इट्स टाइम टू टॉक ऑन एवरीथिंग जो कि अभी चल रहा है। एंड साथ ही में उन्होंने बताया वो कल लाइव आने वाले हैं कुछ अदर पीपल के साथ में। एंड उसके बाद गोडलाइक के कोनर गोडल अमर ने भी एक स्टोरी डाली जो की बाद में घातक भाई ने भी शेयर की। ये एक और डेली कुछ ना कुछ कम्युनिटी का न्यूज कवर करती थी, हमारा बूट कैंप का भी किया था, अभी कहाँ गायब हो गए हो या खुद ने जो कांड किए फाइनल्स में उसके चक्कर में न्यूज देना ही बंद कर दिया। और गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूट्यूब ग्लिच के बारे में जो कि क्रोनटन भाई के चैनल पर हो रही है। जैसा कि ये वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रोनटन भाई के चैनल की सारी वीडियोस प्राइवेट टाइप हो गई हैं एंड वो अभी उनको पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं, वो तो सोल्व हो गया, लेकिन भाई काफी सारे बंदों को क्रोनटन भाई की पास्ट प्रीवियस लाइव स्ट्रीम्स के नोटिफिकेशन अभी आ रहे हैं। जैसा कि भाई मेरे को भी ये 7 महीने पहले वाली स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आया था। एंड अगर आप उनके चैनल पर जाकर देखोगे तो उनकी सारी वीडियोस रैंडम तरीके से शो हो रही है। गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है स्काई स्पोर्ट लीग 2022 की तरफ से। वैसे तो इसमें टीम गोडलाइक खेलने वाली है एज मुंबई एसेस, बट आज का ईस्पोर्ट ने एक पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने लिखा कि आपको क्या लगता है कि क्लच गॉड किस सिटी की तरफ से खेलने वाले हैं। एंड क्योंकि उन्होंने ये पोस्ट डाला तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो हमको किसी दूसरी टीम से अगेन खेलते हुए दिख सकते हैं। एंड साथ ही में भाई उन्होंने एक और टीम को रिवील करते हुए बताया कि एनिग्मा गेमिंग इसमें खेलने वाली है एज पंजाब पिनिकल्स। और गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के स्लॉट्स के बारे में जो कि उनको मिलते हैं पबजी मोबाइल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। जैसा कि अभी करंट पीएमडब्ल्यू आई में तो भाई इंडिया को एक ही स्लॉट मिला है, बट पीएमजीसी 2022 में इंडिया को 2 स्लॉट मिल सकते हैं। एंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो ये 2 स्लॉट इंडिया को मिल सकते हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप लीग स्टेजेस में, विच इज अ वेरी गुड न्यूज क्योंकि भाई आपको भी पता है हमारे इंडिया से कितनी बढ़िया बढ़िया टीम है। एंड अगर एक ही स्लॉट मिलेगा तो भाई हमें इतना मजा कैसे आएगा देखने में। एंड बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। एंड आप मेरे न्यू इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।